हाय, ये है अनिकेत। इसको मैंने पुणे में व्लॉग नहीं लिया था क्योंकि मैं इसका यहाँ व्लॉग निकालने वाला था। अभी हम लोग हैं विंबलडन एरिया ही बोलेंगे क्या इसको? विंबलडन चेस। एंड बज रहा है 4:30 एंड शाम का 8 जैसा लग रहा है ये। फिलहाल हम देखने जा रहे हैं हमें डबल डेकर बस मिलती है क्या। नहीं मिलेगी तो बस ऐसे ही चलते चलते आगे बढ़ जाएंगे हम। थोड़ा दिन में निकालूंगा, अभी उतना अच्छा दिख नहीं रहा है कुछ। स्ट्रीट पे दिखे। हाँ, यही है। मेरी इच्छा पूरी हो गई डबल डेकर में चढ़ने की। बहुत जल्दी आगे से चलना है विंबलडन। इस साइड कितना मजेदार था भाई। सुबह एक बार करना पड़ेगा। सुबह बैठा मस्त दिखता है। सुबह थोड़ा व्यू इसमें आएगा ना कि ऐसे घरों के ऊपर से जा रही है ऐसा लगेगा। हाँ सुबह करना पड़ेगा एक बार रिकॉर्डिंग। सीधा गया तो वो हाँ और हमारी बस ऐसे ही आई। हाँ और यहाँ से राइट लिया ना। अच्छा हाँ विंबलडन एरिया हम जाएंगे उस साइड जाएंगे। हाँ कैसे के आप ही जाएं। यस लेट्स गो। यहाँ पे शॉप्स ओपन है तो कितना अच्छा लग रहा है, वरना एम्स्टरडम में तो सब बंद हो जाता है। ये शॉप जैसे कितने बजे तक खुला है? ये वाला टाइमिंग नहीं लिखा है। 9 तक रहता है। ओह 9 इज अ गुड टाइम यूरोप के हिसाब से। कितना एक्साइटमेंट हो रहा है। अभी मिले थे बट स्टिल ऐसे लंदन में कोई जान पहचान का ऐसे मिल रहा है तो यस। कैसा लग रहा है तुझे? कैसा लग रहा है? मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। ठंड भी लग रही है और अच्छा भी लग रहा है। अब हर जगह चला जाएगा क्या KFC वाला? हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। अभी नहीं, अभी तो मैंने बताया ही नहीं कुछ भी। तूने खुद ही बता दिया। ये क्या है? इट्स फिंगर लिकिंग गुड। और ये फर्स्ट KFC है लंदन का 1968। ये विंबलडन स्टेडियम के सबसे पास में होगा इसलिए शायद यहाँ पे। यहाँ से कितना दूर है स्टेडियम? 25 मिनट्स। और मुझे देख के कैसा लग रहा है तुम्हें? अरे मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे भी आना था लेकिन कोई नहीं मैं तो आ जाता बट अच्छा हुआ ये सूटकेस के लिए आया। थैंक यू, धन्यवाद। तुम्हारा हिसाब बराबर मैं इसलिए तुझे लेने आया था। मैंने इसको भी वही बोला था कि नहीं यार मैं उसको लेने चलता हूँ। VPZ वेप सिगार्स में मैं सोच रहा था ये इतनी देर से काय का शॉप है, मेरे को फार्मेसी लग रही थी बट सिगरेट शॉप निकला। हाँ इसने भी मुझे यही बोला अभी हॉट चॉकलेट के बाद आइसक्रीम ही लेने वाले जिलाट। और ये वाले भी चैरिटी शॉप्स है। ये फाइव वेज फास्ट फूड। ओह अच्छा, तो बहुत बकवास है तो भी मत जाना। सबसे घटिया क्वालिटी का फास्ट फूड फाइव वेज। अच्छा इसमें तो थोड़े ये हॉट चॉकलेट पकड़ के मुझे वैसी वाली फीलिंग आ रही है। नहीं क्या बैंकर्स और बाकी ये जो एकदम काम पे जाते रहते हैं लोग एकदम रास्ते पे चलते चलते ये कॉफीज अपनी लेके जाते हैं स्टारबक्स वगैरह की, वैसे टाइप की फीलिंग आ रही है। फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ मैं ऐसे। चैरिटी शॉप्स अच्छे लगे मेरे को, तो कुछ कुछ लेने वाला हूँ मैं वहीं से। इंडिया को चैरिटी होगी थोड़ी सी। पता नहीं क्यों बॉयज कम डोनेट करते रहेंगे। गर्ल्स एक दो बार पहन के फेंक देती है ना, बॉयज बेचारे जब तक पता नहीं हो जाता। हाँ चल, फूड और ड्रिंक्स अलाउड नहीं है इधर। मेरा तो हो गया है। अरे यार मेरा थोड़ा बचा है। अभी हम टेस्को जा रहे हैं। मीडियम टेस्को रहता है मतलब साइज वाइज। अच्छा और ये अपना अपने यहाँ के डीमार्ट जैसा है क्या? काइंड ऑफ अपने यहाँ का डीमार्ट। यहाँ पे हर शॉप की रिलायंस जैसा है, ग्रोसरी शॉप हर शॉप ऐसे क्योंकि महंगा रहता है क्या?
ज़्यादा महंगा है ना, मतलब इससे सस्ता वो लिडल है ना, इससे सस्ता क्या दूध ले लेते हैं। नहीं नहीं दूध लेते हैं, दूध दूध पियेंगे रात में। हाँ क्या नहीं देखा मेरे रूम में? मैं ज़्यादा नहीं देखा कुछ, मैं इसके साथ बैठा था और फिर लेटा हुआ था। अरे कितने कितने की यहाँ पे भाजी थोड़ी दिखा ना, क्या है अपन जो खाते हैं वैसी वाली भाजी है, मेथी है क्या? नहीं ना मेथी ये लेटस है, ये देख फाइन बीन्स करके, ये वाले मशरूम, बीट रूट। तुम लोग ये मशरूम बनाते हो क्या? कैसा टेस्ट रहता है? अच्छा रहता है क्या? ये बनाते हैं मशरूम कभी तो। और फ्रूट्स कितने के? एप्पल कितने का है? 170, 90 किलो। ओह नाइस, एप्पल इंडिया से सस्ते हैं क्या? 90 रुपए के 6 एप्पल नहीं मिलते इंडिया में? कश्मीर से लाया है तो मैंगो है क्या? मैंगो नहीं है यहाँ पे, एक्चुअली 12 मंथ्स है। ओह राइप मैंगो, ओरिजिन इजराइल। लेके देखिए क्या, एक खा के देखेंगे, देखते घर पे चल के खाएंगे। पका हुआ तो ले, कैसे पता चलेगा पक्का हुआ है कि नहीं? इजराइल से आया है, 1 pound का एक है ना? हाँ। चलेगा ले ले देखते हैं। खाएंगे आज रात। चलो लेट्स गो अहेड। महंगा है वाटरमेलन बहुत। ये क्या एवोकाडो है ना? मैंने वो इंग्लिश ब्रेकफास्ट में आता है ना, हाँ मैंने देखा है पर खाया नहीं है वो बनाना। फिर देखते हैं और आगे बढ़ते हैं।